हाईवे पर ये चंडीगढ़ से अब करनाल पहुंचे हैं। कई दिन लगा दिए, भूखे प्यासे अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर रहेंगे। एक छोटी बेटी है जो इस तरह से चंडीगढ़ से ही हैंडल चला चला कर इस साइकिल को ला रही है, क्योंकि माँ की दोनों टांगे आप देख सकते हैं, माँ दोनों टांगों से लाचार है। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, एक गुड़िया और एक उनका बेटा अब अपने घर आ रहे हैं, अपने माँ बाप के पास आ रही है ये बेटी चंडीगढ़ से। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि कहाँ से आई हैं, कब चली हैं और कहाँ जा रही हैं वो। तो क्या नाम है आपका? सोनिया। तो कहाँ से आ रही हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हाँ। और कहाँ जा रही हैं? करनाल जा रहे हैं। कब से चले हुए चंडीगढ़ से? बुधवार से। यहाँ पर कौन रहता है करनाल में? यहाँ पे माँ बाप रहते हैं, भाभी है, बहन है, सब रहते हैं यहाँ पे। तो चंडीगढ़ से सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर रहने के लिए? हाँ, यहाँ पे रहने के लिए। क्यों चंडीगढ़? जब आदमी रोटी पानी नहीं देते, दारू पी के ना खर्चे के लिए पैसे दे, और बच्चा भी दूध पीता है छोटा सा, कहाँ से कमाऊंगी इतने। धीरे देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले कई घंटों से यह परिवार भूखा था, किस तरह से हमारी सहयोगी इनके लिए मैकडी पर जाकर बच्चे के लिए सामान लेकर आई ताकि बच्चे कुछ खा सके, कुछ पी सके, क्योंकि चंडीगढ़ से यह परिवार भूखा प्यासा कई दिनों से चला हुआ था। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी सहयोगी है कीर्ति कथूरिया, इनके बीच में कुछ खाने पीने की चीजें इनके लिए लेकर आई है ताकि इनकी मदद की जा सके। छोटा बच्चा आप देख सकते हैं जो किस तरह से मैकडी के फिंगर चिप्स खा रहा है, बच्चों के लिए बर्गर लाई है, कोल्ड ड्रिंक लाई है। किस तरह से कहीं ना कहीं मदद जरूर की जानी चाहिए, ऐसे परिवारों की मदद जरूर की जानी चाहिए। एक और माता जी आप देख सकते हैं सेब अपनी तरफ से देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे कोई भी परिवार अगर आपको कहीं भी नेशनल हाईवे पर मिलते हैं तो उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद जरूर की जा सके। आप देख सकते हैं कि भूखे और प्यासे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूरत होती है, पेट की जरूरत होती है, इनकी मदद की जा सके। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तमाम लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चंडीगढ़ से यह परिवार इसी रिक्शा पर चला हुआ है जो करनाल पहुंचा था, हमें मैकडोनल्ड्स के नजदीक मिलता है, जिसके बाद हम इनको मैकडोनल्ड्स की पार्किंग में लेकर आए ताकि बच्चे काफी भूखे प्यासे थे, इनको खाना खिलाना बहुत जरूरी था। और इस समय ये खाना खाकर वापसी अपनी माँ के पास करनाल जाएंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नाम है आपका? नैना। नैना, तो बर्गर खा रहे हो? कोक पी रहे हो, अच्छी लग रही है। आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष, तो कैसी लग रही है कोक? बर्गर नहीं खाया अभी? कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? करनाल। आपका क्या नाम है? आनंद। हाँ, आनंद, तो अच्छी लग रही है आपको फ्रेंच फ्राइज? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है खाने में? तो देख सकते हैं ये छोटा सा आनंद, आशीष और नैना, ये तीनों बच्चे अपने माँ के साथ चंडीगढ़ से निकले हैं और किस तरह से 2 से 3 दिन हो चुके हैं और करनाल जाते हुए दिख रहे हैं। हमने अपनी तरफ से इन्हें कोशिश की, हम जितनी मदद कर पाए, हमने इनको खाना खिलाया और हमारी तरफ से और भी जो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से कुछ भी मदद हो पाएगी हम वो ज़रूर करेंगे। नमस्कार। इस तरह की तस्वीरें बहुत ही हैरान कर देती है। किस तरह से ये लाइव तस्वीरें नेशनल हाईवे करनाल की है, जहां पर आप देख सकते हैं एक माँ अपने 3 छोटे-छोटे बच्चों के साथ इस ट्राईसाइकिल पर, जो दिव्यांगों की साइकिल होती है, उस पे सफर कर रही है। चंडीगढ़ से कई दिन हो चुके हैं चले हुए, करनाल अपने माँ बाप के पास इसलिए आना है क्योंकि इनके जो पति हैं, इनका कहना है कि वो इनको मारते पीटते हैं। और किस तरह से नेशनल हाईवे पर ये चंडीगढ़ से अब करनाल पहुंचे हैं, कई दिन लगा दिए, भूखे प्यासे अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर रहेंगे। एक छोटी बेटी है जो इस तरह से चंडीगढ़ से ही हैंडल चला चला कर इस साइकिल को ला रही है, क्योंकि माँ की दोनों टांगे आप देख सकते हैं, माँ दोनों टांगों से लाचार है। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, एक गुड़िया और एक उनका बेटा अब अपने घर आ रहे हैं, अपने माँ बाप के पास आ रही है ये बेटी चंडीगढ़ से। खाने पीने का सामान है, दूध की बोतल है बच्चे के लिए। आगे हम नेशनल हाईवे पर हमें मिले, हम यहाँ से निकल रहे थे तो आगे सोचा कि इनको पहले खाना खिलाया जाए, इनकी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद की जा सके। और हालांकि अपने परिवार के पास ये परिवार पहुँच रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आगे कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ ही हमेशा खुश रहेगा। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भूख चेहरे पर देखी जा सकती है, थकावट चेहरे पर देखी जा सकती है, इसलिए नेशनल हाईवे पर मैकडोनल्ड्स हमें दिखा, जहां पर मैकडोनल्ड्स की ड्राइव थ्रू में हम इन बच्चों को
लेकर पहुंचे हैं ताकि कहीं ना कहीं इनका भी पेट भरा जा सके, जो कई दिनों से चंडीगढ़ से इसी तरह से अपनी इस ट्राईसाइकिल पर निकले हुए हैं। छोटी सी बच्ची है जो इस साइकिल का हैंडल चलाती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। इस परिवार की जितनी मदद की जा सकती है उतनी मदद हम करेंगे। पहले इनको खाना खिलाना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ से भूखे प्यासे ये चले हुए हैं, कई दिन हो चुके हैं, और करनाल अब अपने परिवार के बीच में अपने माँ के साथ, माँ के पास ये पहुँचे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ना बच्चे की जिंदगी खराब हो, ना बच्चे को पढ़ाना लिखाना, मैं यही माँ बोलती है बच्चे को जीवन सुख शांति मिले घर में। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं करनाल, करनाल जा रहे हैं। आए कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। कब से चले हुए थे? बुधवार से। क्यों आ रहे हैं करनाल, कौन रहता है? जब आदमी जब सारा पानी रोटी नहीं दे रहा तो क्या करेगा जनानी, जनानी को जुटी समझते है। करनाल कौन रहता है? करनाल में माँ है, भाभी है, तो यहाँ उनके साथ रहेंगे। हाँ। तो हाईवे पे डर नहीं लगा छोटे छोटे बच्चों के साथ आए तो? क्या करना, मरना तो एक ही दिन है, भगवान जो इच्छा होगी भगवान की मर जाए ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? दो लड़के एक लड़की है। तो पैरों से आप शुरू से लाचार? हाँ, दोनों पोलियो हो गया पैरों में। पति भी आप कहते हैं? हाँ, विकलांग है। क्या शराब पीता है? हाँ। क्या मारता पीटता भी है? मारते भी है, कहते हैं तेरी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से भाग जा, ये है ये। कितने दिन में पहुंचे हैं आप करनाल? हम बुधवार से। क्या नाम आपका? सोनिया। तो बुधवार से चली हुई है एक माँ, दोनों पैरों से लाचार है, पोलियोग्रस्त है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, दो बेटे हैं, एक बेटी है, और बेटी किस तरह से हैंडल मारती हुई आई है, और उनका बेटा पैदल रिक्शा को पकड़कर, ट्राईसाइकिल को जो दिव्यांगों की साइकिल होती है उसको पकड़ पकड़ कर आया है ताकि माँ की साइकिल कहीं गिर ना जाए। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि कहीं भी अगर आपको ऐसा परिवार मिलता है आप उनको पहले रोटी जरूर खिलाइएगा। अब इस समय मैकडी में हम मौजूद हैं क्योंकि हाईवे पर इस तरफ मैकडोनल्ड्स आ रहा था, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमारी टीम की जो सदस्य हैं वो कुछ लेने गई हैं ताकि इन बच्चों का पेट भरा जा सके। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इनकी जितनी मदद हो सकती है वो भी हम जरूर करेंगे। फाइनेंशियली तौर पर जरूरी नहीं होता कि बताएं कि कितनी मदद की, लेकिन जरूर मदद अच्छी करेंगे ताकि कहीं ना कहीं इस परिवार को कुछ दिन के लिए राहत जरूर मिले। हालांकि अभी अपने माँ बाप के पास करनाल पहुँच सके हैं, करनाल पहुँच चुके हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ये खबर आपको हैरान कर देगी, आपकी आंखों में आंसू ला देगी कि किस तरह से एक माँ जो दोनों टांगों से पोलियोग्रस्त है चंडीगढ़ से अपनी इस दिव्यांगों की जो साइकिल होती है, ट्राईसाइकिल होती है, उस पे अपने तीन मासूम बच्चों के साथ बुधवार से चली हुई है करनाल आने के लिए, क्योंकि करनाल इनकी माँ इनके पिता रहते हैं। इनका आरोप ये है कि इनके जो पति हैं वो शराब पीकर इनको मारते पीटते हैं, बच्चों को खाना नहीं देते हैं, जिसके चलते वे अपना पति का घर छोड़कर अपने माँ के पास पहुंच रही है। और इस समय नेशनल हाईवे पर हम जब खबर करके निकल रहे थे तो हमें बीच रास्ते में मिले, भूखे प्यासे थे इसलिए इनको यहां पर मैकडोनल्ड्स पर रोका गया ताकि इनके लिए बर्गर लाया जा सके, कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा सके, क्योंकि भूखे प्यासे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आदमी को अन्न की, खाना मिलेगा तो आदमी अपने आप में आगे और सफ़र कर पाएगा, तो खाना जरूरी है। और अपने तौर पर जितनी भी सहायता हो सकती है हम अपने लेवल पर इनकी जरूर करेंगे, लेकिन अगर आपको कभी भी नेशनल हाईवे पर इस तरह से कभी कोई परिवार मिलता है, कोई ज़रूरतमंद परिवार मिलता है, तो उसको बेशक आप पैसे ना दीजिए लेकिन कहीं ना कहीं उनको खाने पीने की वस्तु जरूर दीजिएगा, अपने हाथ से खाना खिलाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके पति इनको शराब पीकर इनको मारते हैं, बच्चों को नहीं पूछते हैं, जिसके चलते इनकी जो माँ करनाल में रहती है उनके पास ये पहुँची हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा 125 किलोमीटर का सफ़र इसी तरह से ये बेटा यहाँ पर पैदल चलता चलता अपनी माँ की रिक्शा को पकड़ कर लाया, छोटा बेटा इनके साथ बैठा रहा और लड़की जो है पीछे खड़ी होकर इस हैंडल को चलाती हुई आई, क्योंकि माँ एक हाथ से हैंडल चला सकती है, दूसरे हाथ से उसने अपने छोटे बच्चे को पकड़ना है और दोनों टांगों से वह पोलियोग्रस्त भी है। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले कई घंटों से यह परिवार भूखा था, किस तरह से हमारी सहयोगी इनके लिए मैकडी पर जाकर बच्चे के लिए सामान लेकर आई ताकि बच्चे कुछ खा सकें, कुछ पी सकें, क्योंकि चंडीगढ़ से यह परिवार भूखा प्यासा कई दिनों से चला हुआ था। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी सहयोगी है कीर्ति कथूरिया, इनके बीच में कुछ खाने पीने की चीज़ें इनके लिए लेकर आई है ताकि इनकी मदद की जा सके।
छोटा बच्चा आप देख सकते हैं जो किस तरह से मैगडी के फिंगर चिप्स खा रहा है, बच्चों के लिए बर्गर लाई है, कोल्ड ड्रिंक लाई है, किस तरह से कहीं ना कहीं मदद जरूर की जानी चाहिए, ऐसे परिवारों की मदद जरूर की जानी चाहिए। एक और माता जी आप देख सकते हैं सेब अपनी तरफ से देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे कोई भी परिवार अगर आपको कहीं भी नेशनल हाईवे पर मिलते हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद जरूर की जा सके। आप देख सकते हैं कि भूखे और प्यासे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़रूरत होती है, पेट की जरूरत होती है, इनकी मदद की जा सके। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तमाम लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चंडीगढ़ से यह परिवार इसी रिक्शा पर चला हुआ है जो करनाल पहुंचा था, हमें मैकडोनल्ड्स के नज़दीक मिलता है, जिसके बाद हम इनको मैकडोनल्ड्स की पार्किंग में लेकर आए ताकि बच्चे काफ़ी भूखे प्यासे थे, इनको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी था और इस समय ये खाना खाकर वापसी अपनी माँ के पास करनाल जाएंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ और लोग भी थे यहाँ पर, उन्होंने भी मदद की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत से परिवार होते हैं जो हाईवे पर सफर कर रहे होते हैं, कहानी रुला देने वाली है। आपने सुना होगा कि चंडीगढ़ से ही निकले हैं तीनों बच्चों को लेकर इस दिव्यांग साइकिल पर, क्या कहेंगे? ये बहुत ही एक दुखद घटना है कि इतनी दूर से इन्हें आना पड़ रहा है और ये बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, तो इनकी बढ़ चढ़ कर हमें सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आए हैं तो किसी आस को लेके यहाँ पे आए और मजबूरी में हैं और घड़ी संकट की ऐसी है, किसी के ऊपर भी संकट आ सकता है और संकट में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, ऐसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि चंडीगढ़ से ये ट्राईसाइकिल पर अपने तीन बच्चों को लेकर आ रही थी हाईवे पर। आप देख सकते हैं किस तरह से हाईवे पर चल रहे थे, बुधवार से चल रहे थे, भूखे प्यासे इसी तरह से चल रहे थे, लेकिन आज करनाल पहुंचे हैं और मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी जरूर है। कहीं ना कहीं जितनी अपनी तरफ से हमारी मदद होगी वो भी हम इनकी जरूर करेंगे। अब हम निकलते हैं ताकि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से परिवार हाईवे पर जरूर सफर कर रहे होते हैं, अगर आपको कभी भी इस तरह के परिवार रास्ते में मिलते हैं तो उनको खाना जरूर खिलाइएगा, उनको रोटी जरूर खिलाइएगा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पानी जरूर पिलाइएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी। क्या नाम है आपका? नैना। नैना, तो बर्गर खा रहे हो? कॉफ पी रहे हो? अच्छी लग रही है। आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष, तो कैसी लग रही है कॉफ? बर्गर नहीं खाया अभी? कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? करनाल। आपका क्या नाम है? आनंद। हाँ? आनंद। तो अच्छे लग रहे हैं आपको फ्रेंच फ्राइज? मजा आ रहा है खाने में? तो देख सकते हैं ये छोटा सा आनंद, आशीष और नैना, ये तीनों बच्चे अपने माँ के साथ चंडीगढ़ से निकले हैं और किस तरह से 2 से 3 दिन हो चुके हैं और करनाल जाते हुए दिख रहे हैं। हमने अपनी तरफ से इन्हें कोशिश की, हम जितनी मदद कर पाएँ, हमने इनको खाना खिलाया और हमारी तरफ से और भी जो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से कुछ भी मदद हो पाएगी हम वो ज़रूर करेंगे। ऐसे काफ़ी लोग आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, तो कभी भी अगर आप लोगों को मौका मिलता है किसी के लिए भी कुछ करने का तो ज़रूर एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाइएगा और वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तस्वीरें देखकर शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं कि किस तरह से एक माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर दिव्यांग ट्राईसाइकिल पर चंडीगढ़ से करनाल जा रही है। जी हाँ, चंडीगढ़ से करनाल, कि ये लोग इतने गरीब हैं, इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि बस से सफर किया जा सके या फिर गाड़ी से सफर किया जा सके। तीनों बच्चों को लेकर निकले हैं, खुद भी ये दिव्यांग है और जो इनके हस्बैंड हैं वो भी दिव्यांग हैं और साथ ही साथ ये भी बता रही हैं कि वो शराब भी पीते हैं, तो उसके बाद ही अपने माँ बाप के घर जाते हुए दिख रही हैं। और बुधवार से, जी हाँ, तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं ये चंडीगढ़ से चले हुए अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर चलते हुए दिख रहे हैं। और ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये भी अभी हमने देखा कि ये भी हैंडल को घुमा रही थी कि बीच में उनकी जो मम्मी है वो थक गई, तो उसके बाद जो बेटी है वो भी पीछे हैंडल को चला रही थी। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि कहाँ से आई हैं, कब चली हैं और कहाँ जा रही हैं वो। तो क्या नाम है आपका? सोनिया। तो कहाँ से आ रही हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हाँ। और कहाँ जा रही हैं? करनाल जा रहे हैं। कब से चले हुए चंडीगढ़ से? बुधवार से। यहाँ पर कौन रहता है करनाल में? यहाँ पे माँ बाप रहते हैं, भाभी है, बहन है, सब रहते हैं यहाँ पे। तो चंडीगढ़ से सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर रहने के लिए? हाँ, यहाँ पे रहने के लिए। जब आदमी रोटी पानी नहीं देते, दारू पी के ना खर्चे के लिए पैसे दे, बच्चा भी दूध पीता है छोटा सा,
कहाँ से कमाऊंगी इतने, कभी 200-250 बन जाए वो भी खर्चे चला लेती हूँ। पर पेंशन मिलती है 2200 रुपये मिलती है, उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों को लेके चली, बस के लिए भी पैसे नहीं थे, बस के लिए पैसे नहीं थे और गाड़ी भी नहीं चल रही, गाड़ी भी चलती तो साइकिल भी ले जाती। तो रास्ते में आपने कुछ खाना खाया बच्चे? हाँ, कोई जैसे आप जैसे कोई भगत मिल गया, उन्होंने खाना खिलाया था सब्जी रोटी हमारे को, कोई तुम्हारे जैसे कोई भगत आ गया दाल रोटी दी थी वो खाई थी हमने। चंडीगढ़ से इसी पे चले हो? हाँ, इसी में ही चल रहे चंडीगढ़ से। पैदल बच्चे भी मार रही है? हाँ, बच्चे भी पैदल मारते, कभी धक्का मार के ले जाते बच्चे। रात में कहाँ पर रुकते थे फिर? रात में कहीं हम तो वहाँ बस जहाँ बस अड्डा है ना चंड करनाल के आगे बस अड्डा, अम्बाला से आते हैं बस अड्डे में एक रात सोए थे, फिर सुबह हम 6-10 बजे उठे, फिर यहाँ से चले हम। सारा दिन चलाते रहे? हाँ, सारा दिन चलाते रहे हम। भी जाते होंगे फिर बच्चे? हाँ, मदद करते हैं। हाँ, बच्चे ही मदद कर देते हैं। तो अब करनाल में अपना घर है? घर नहीं है, झुग्गी है हमारी, जैसे झुग्गी में बना के रह लेते हैं उधर ही। तो माँ बाप कौन कौन है? माँ है, बाप है, वो भी बाप भी शराबी है, माँ भी ना रोटी देती नहीं है, हम भी मांग मांग के हम बच्चों का अपना अलग पेट भर देते हैं। तो फिर अब वहाँ जाकर क्या करेंगी, कैसे? अब देखो कैसे कमाएंगी, माँ बच्चे को झुग्गी बनाऊंगी, एक जगह अपने ठिकाना बनाऊंगी, मांगने चले जाया करेंगे। तो पति ने रोका नहीं? नहीं, बच्चे हैं कि जा रही है बच्चों को ले? तो पति है वो घर वाले ऐसे गाली करें, जहाँ से भाग जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पिलाने वाले बहुत आते हैं। सास ससुर नहीं है? नहीं जी, अकेले रहते थे। हाँ, वहाँ पर कहाँ पर रहते थे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ मनसा देवी पैसा डब्बा और गांधी कॉलोनी। तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहते? हाँ। शादी को कितना वक्त हो गया? मेरी शादी को हो गया काफी दिन हो गया, हमने हमारी मर्जी से शादी करी थी, अपनी मर्जी से। हाँ, माँ बाप रोटी नहीं देते थे, सारे कपड़े फटे रहते थे, बच्चे दो रोटी मिल जाएगी। तो मतलब ना, मतलब मायके में सुख मिला ना ससुराल में? हाँ, ससुराल में ना मायके। कितने साल की बच्ची हैं आपकी? एक तो होगा 10 साल का, एक ये पता नहीं कितने साल की, कागर पुरुष सारे मनसा देवी में है। स्कूल भी नहीं जाते? स्कूल जाते थे, इसके बाप ने मना कर दिया, दारू पी के आ जा तो मैं ही बोलती इसको बच्चों को पढ़ाओ। अब हमारी मनसा देवी में छोटी सी झुग्गी है, उसमें रहने की जगह नहीं है, ना खाने की जगह, ना नहाने धोने की, ना पानी की सुविधा है। वाली मनसा देवी में जाते हम भरने हैं, साइकिल लेके एटीओ पारी तक से पानी भर के ले आते घर में, वही बर्तन का पानी धो के बर्तन का वो बाल्टी में भरते तो बच्चों से फिकवा देती हूँ मैं। मतलब खाने के भी पैसे नहीं है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं? बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो अभी फिर माँ बाप सहारा है, माँ बाप के पास जा रहे हैं। कितने दिन हो गए चले हुए? हमारे को बुधवार से। सारा दिन चलाती रहती? हाँ, सारा दिन। देख सकते हैं ऐसी तस्वीरें देखकर शायद आप लोगों की रूह कांप जाए कि किस तरह से एक लेडी अपने तीनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर चंडीगढ़ से चली हुई हैं और किस तरह से रास्ते में अगर कोई भी खाने पीने के लिए दे देता है, किस तरह से मदद कर देता है। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हम भी जितनी मदद हो सकेगी हम भी इनकी पूरी मदद करेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि काफ़ी ऐसे आजकल के टाइम में काफ़ी लोग हैं जिन्हें इस तरह से ऐसा देखा जाता है कि कहा जा रहा है कि करनाल के रहने वाले थे फिर चंडीगढ़ में शादी हो जाती है और जो पति है वो दिव्यांग भी है, ये खुद भी दिव्यांग है और साथ ही साथ शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद क्या मारपिटाई भी करते हैं आपके साथ? हाँ, मारते भी है, ये सारा ये फोड़ रखा है, ये सारे ऐसे वो तो नहीं होते रोटी बनाने में, उससे भी मार रखा मेरे को, तो वह मार रखा, ये निशान है ये मार मार के। तो ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पति है वो किस तरह से शराब पीकर मारते भी थे और ना खाने पीने को ढंग से मिलता था, उसके बाद से अपने मायके के लिए चली हैं, किस तरह से अपने तीनों नन्हे नन्हे से बच्चों को लेकर, और माँ थक जाती है तो कभी बच्चे भी साथ में पैडल मारते हुए दिख रहे हैं, किस तरह से आप लोग देख सकते हैं हाईवे की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से एक माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर जाते हुए दिख रही है। पॉलीथिन में थोड़ा बहुत बच्चे का सामान दिख रहा है, थोड़ा बहुत खाने पीने जो रास्ते में किसी ने मदद कर दी तो किसी ने दे दिया, बस स्टैंड पर ही सोए रात को। किस तरह से एक औरत है दुखी है, पहले कहा जा रहा है कि खुद से शादी की,
मायके में भी दुखी थे और उसके बाद वहाँ पर भी पति परेशान करता है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, छोटी सी रहने की जगह है, तीनों बच्चों के साथ गुजारा नहीं हो पाता है और उसके बाद किस तरह से तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं, किस तरह से जाते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं नेशनल हाईवे पर, ये चंडीगढ़ से चले हुए हैं और करनाल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, अपनी माँ बाप के पास ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे।